तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। ये गाना बिहार के राघवेंद्र कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2014 में अपने दोस्त कृष्ण कुमार को बाइक एक्सीडेंट में खोने वाले राघवेंद्र उसकी याद में पिछले 8 सालों से एक अनोखी मुहिम चला रहे हैं। राघवेंद्र की तरह कोई अपने को सड़क दुर्घटना में ना खो दे, इसके लिए वो देश भर में लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस अभियान को जिंदा रखने के लिए उन्होंने न सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ी बल्कि अपना घर जमीन सब बेचकर लोगों को जागरूक करते हुए हेलमेट भी बांट रहे हैं। देखिए, सड़क हादसे में मैंने 2014 में अपने मित्र को खो दिया था और ये दुनिया किसी गूंगे की इतिहास नहीं सुनती, और जितने भी हादसे वाले जो परिवार होते हैं वो हमेशा के लिए गूंगे बन जाते हैं। मैं भी चाहता तो 8 साल पहले अपनी जो नौकरी कर रहा था, सारे काम कर रहा था, वैसे कर सकता था, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया ताकि भारत में हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक हेलमेट पहनाने की सुरक्षा देना। और 2014 से लेकर के मैं पिछले 8 सालों से भारत के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहा हूँ, जो अभी तक हमने 55,000 हेलमेट दे करके लोगों की सुरक्षा के लिए। राघवेंद्र पिछले 8 सालों से देश के 22 राज्यों में करीब 55,000 लोगों को अब तक अपने खर्चे से हेलमेट बांट चुके हैं। यही वजह है कि इस मुहिम की वजह से राघवेंद्र को हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों राघवेंद्र उत्तराखंड पुलिस की मदद से देहरादून में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। देहरादून में है और यहाँ पर हमें ट्रैफिक SP सर ने बुलाया हुआ है, अक्षय कुंडे जी। बहुत ही अच्छा, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जो हादसों को लेकर के एक अधिकारी इतने बड़े स्तर पे जो प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे सर बहुत सारे जो पिछले 8 साल में जो हमने कार्य किया है, जो नौकरी हमने छोड़ दी, जो बहुत सारे आप सोशल मीडिया सुन रहे हैं, घर भी हमने ग्रेटर नोएडा को चीजें भेज दिया सिर्फ अपने मित्र के वजह में, ताकि अपने मिशन को जारी रख सकूं। बहरहाल, अपने जिगरी दोस्त को खोने के बाद कोई और किसी अपने को ना खोए, राघवेंद्र ने बस अपनी जिंदगी का यही मकसद बना लिया है। वो देश में घूम घूम कर बस यही कहना चाहते हैं कि कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने परिवार और अपनों के लिए हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, इससे कई और लोग भी जुड़े हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से परमजीत लांबा की रिपोर्ट।